रीमेक हो तो ऐसा, कहानी हो तो ऐसी, और एक्टिंग हो तो आर माधवन जैसी। मतलब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ एंड वन थिंग आई वुड से, आर माधवन खा गए यार। मतलब मुझे गूज़बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आपने भी शैतान का ट्रेलर देख लिया तो। मैं आपको स्लैप करूं जोर से वंस मोर? क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? व्हाट हैव यू डन टू हर? मशी करा। हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। एंड इन दिस वीडियो मैं अपना रिव्यू शेयर करने वाली हूं कि शैतान का ट्रेलर देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन क्या था। एंड ऑब्वियसली इट वाज वाओ, रोंगटे खड़े हो गए मेरे जब मैंने देखा आर माधवन को उस रूप में जो पहले कभी नहीं देखा गया। वेल, कहानी की अगर मैं बात करूं तो भाई एक बार फिर से अजय देवगन आपको अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करते दिखाई देंगे, लेकिन इस बार उनका सामना काली शक्तियों यानी कि ब्लैक मैजिक से होने वाला है। इस कहानी के अंदर आपको ब्लैक मैजिक दिखाई देगा जिसके कर्ता धरता है आर माधवन। आर माधवन की आवाज में एक मैसेज भी सामने आया था जिसको इस फिल्म का टीजर बताया गया था 1 महीने पहले, और वहां ये बात मेंशन की गई थी कि वो डेविल भी हैं, वो जहर भी हैं, और वही उस जहर का इलाज भी है, बहकावे का प्याला है और इस बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। और ये बात कहीं ना कहीं अजय देवगन की फैमिली से मिस हो गई और उनकी बेटी यानी कि अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी आर माधवन के बहकावे में आ गई यानी कि वशीकरण। और उसके बाद अजय देवगन की लाइफ में क्या उथल पुथल हुई वो हम इस फिल्म में देखेंगे। और एक बार फिर से इस फिल्म को देखने के बाद ये बात तय हो गई कि हीरो से ज्यादा ना विलन का कैरेक्टर आपको प्रोमिनेंट लगेगा। लेकिन एक बात जो हर बॉलीवुड फिल्म में होती है वो यहाँ भी होगी कि भाई अच्छाई पर बुराई की हार हो ही जाएगी, लेकिन वो कैसे होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल, इस फिल्म का जो ट्रेलर है 2 मिनट 30 सेकंड का, वो आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाता है जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ ब्लैक मैजिक, बहुत सारा थ्रिल और बहुत सारे सस्पेंस। कहानी क्या होगी ये तो आपको 8 मार्च को पता चल जाएगी, क्योंकि शैतान फिल्म अजय देवगन, ज्योतिका एंड आर माधवन स्टारर 8 मार्च 2024 को रिलीज होने वाली है अगले महीने। और आज यानी कि 22 फरवरी को इस फिल्म का ट्रेलर रिवील कर दिया गया है। वेल, मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म गुजराती फिल्म की रीमेक है, हिंदी अडेप्टेशन है जिसका नाम था वश, और अब ये हिंदी में बनी है, उसका नाम है शैतान। तो अभी तक जहां इस कहानी के राज से पर्दा नहीं उठा था तो भाई ट्रेलर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, सोचो ट्रेलर इतना एक्साइटिंग है तो फिल्म कैसी होगी। आई जस्ट कांट वेट फॉर 8 मार्च गाइस, एंड नो डाउट आप भी अगर ट्रेलर देखोगे ना तो आपको भी 8 मार्च का इंतजार हो ही नहीं पाएगा, मतलब आप इतने ज्यादा रेस्टलेस हो जाओगे। और एक चीज जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, अजय देवगन एंड आर माधवन दोनों ही काफी वर्सेटाइल एक्टर है, लेकिन 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 आर माधवन इस फिल्म के अंदर भाई खा गए यार। मतलब क्या एक्टिंग, क्या लाजवाब डायलॉग डिलीवरी, एंड उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिलहाल आप भी करिए और मैं भी करती हूँ 8 मार्च का इंतजार, क्योंकि तब होगी ये फिल्म रिलीज और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना बनता है इस फिल्म का, एंड नो डाउट आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस रिव्यू में इतना ही। अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, और अगर देख लिया है तो अपने रिव्यूज मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करना बिल्कुल ना भूलो, और साथ में मुझे बताना कि ट्रेलर देखने के बाद आपको कितनी एक्साइटमेंट हुई है इस फिल्म के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिल्म प्राइम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो।